स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर लेक्चर सीरीज़ का ये हमारा पहला लेक्चर है इस लेक्चर सीरीज में हम जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे कि होमोजीनियस इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है एग्जैक्ट इक्वेस हैं या रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन हैं हम इस लेक्चर सीरीज़ में इन सारे टाइप्स को कवर करेंगे तो आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो के लिए जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिफाइन करेंगे सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो डेरिवेटिव किसके एक डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक ही हो सकता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिसके डेरिवेटिव ले रहे हैं हम वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट जिस वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स आ रहे हों विद रिस्पेक्ट टू तो वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जाम्पल हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अब ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है उसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इनडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हों तो इक्वेशन कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अलावा हम और एग्जाम्पल इस तरह से भी ले सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई ओवर टी एक्स होल स्केयर इक्वल टू जीरो तो ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि यहां पर भी इसमें भी डेरीवेटिव इन्वॉल्व हैं इस तरह से एक और एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं जैसे कि पार्शल स्केयर यू ओवर पार्शल एक्स केयर प्लस पार्शल स्केयर यू ओवर पार्शल वाइस स्केयर इक्वल टू ज़ीरो तो ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अब डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद के लिहाज से दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है अ डिफरेंशियल इक्वेशन अ डिफरेंशियल equation in which Ordinary derivative Ordinary derivative of the dependent variable Of the dependent variable with respect to a, a single independent variable, single independent variable, a differential equation.

एन ordinary डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम शॉर्टली जो है वो ओ डी ई भी लिख सकते हैं ओ डी ई तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ओ डी ई आपके पास क्या है कि जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही होगा सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एग्जाम्पल uh, हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉज एक्स इक्वल टू साइन एक्स अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है y y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो यहाँ पर है एक्स तो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x x के अलावा कोई दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर नहीं है तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो अब दूसरी टाइप हम देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स पार्शियल derivatives of dependent variable of dependent variable with respect to more than one independent variable of dependent variable with respect to more than मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि अब पार्शल इक्वेशन में क्या है कि आपके पास डिपेंडेंट डिफेंशल इक्वेशन के डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक ही होगा लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो वो इक्वेशन जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों वो क्या कहलाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है वन वन मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या हम इसको पी डी ई भी लिखते हैं तो अब ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है या एक से ज़्यादा है अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो फिर वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स ही आएंगे अब इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो इक्वेशन है एक्स पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स प्लस वाई पार्शल जी ओवर पार्शल वाई इक्वल टू एक्स तो अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक है z जिसको हम डिफ्रेंशियट कर रहे हैं जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है वो एक ही है z है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर अगर आप चेक करें तो वो एक से ज़्यादा है x और y यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक से ज़्यादा हो तो इक्वेशन कहलाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फर्स्ट पहले ही हमारे पास है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है दर्डर ऑफ डिफेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाइएस्ट डेरीवेटिव जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाइस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव है वो ही डिफेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है जैसे कि ये आपके पास इक्वेशन लिखी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें अगर आप देखें कि हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव कौन सा है ये डी वाई बाई डी एक्स है इस ये एक डेरीवेटिव है इसके अलावा कोई भी इस इक्वेशन में डेरीवेटिव इन्वॉल्व नहीं है तो इस जो इक्वेशन डेरीवेटिव uh, है ये इसका ऑर्डर क्या है वन इसका ऑर्डर है वन ये फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स तो इस तरह से हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव जो है वो ये एक ही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा ऑर्डर होगा इसका वन दूसरी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क् प्लस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्र इक्वल टू जीरो इसमें दो डेरीवेटिव इन्वॉल्व हैं ये है डी वाई ओवर डी एक्स और ये डेरीवेटिव है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्केयर ये डेरीवेटिव फर्स्ट ऑर्डर है पहला डेरीवेटिव है ये और ये सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव है यानी कि दूसरा डेरीवेटिव है तो हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव कौन सा हुआ ये अब डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक् स्क्र हाइस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव है और ऑर्डर कितना है टू ऑर्डर यहाँ पर है टू तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा जो भी हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव एग्जिस्ट करेगा इक्वेशन में वही उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अब देखिए कि जब भी अगर हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताएंगे तो किस तरह से कि पहले आपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव चेक करना है पहले क्या करना है हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव किस ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो हाईएस्ट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहा है मौजूद है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करने के बाद आपने उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है जो भी उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव दैट अपियर्स इन इक्वेसन फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इक्वेशन है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्र इक्वल टू ज़ीरो तो अब इस इक्वेशन में देखें कि सबसे पहले क्या करना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी पावर टू है लेकिन जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर ही है डी वन वाई ओवर डी एक्स वन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो डेरिवेटिव है ये सेकेंड ऑर्डर है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र तो सबसे पहले हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव मार्क करें कौन सा है ये वाला हाइएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव ये है तो हाइस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव की जो एक्सपोनेंट है यानी कि उसकी जो पावर है वो उस इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है वन तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हुई वन तो यानी कि अगर आपके पास इस इक्वेशन में एक से ज़्यादा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे होते तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट अगर इसके अलावा इसमें एक और भी डेरिवेटिव हो सपोज कर लें कि इसमें एक डेरिवेटिव यहाँ पर ये है आ, एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क् एक्स स्क्र वाई चलें ये कर लें एक स्क्र वाई डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र और इसकी पावर है टू तो अब इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी अब यहाँ पर दो डेरिवेटिव हैं सेकंड ऑर्डर एक ये है और एक ये है लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट वन है और यहाँ पे एक्सपोनेंट टू है तो अब डिग्री क्या कहलाएगी अब डिग्री होगी टू तो इस तरह से यानी कि आपने डिग्री बताने के लिए आपको क्या करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे पहले चेक करना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करने के बाद आप देखेंगे कि ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट किसका है जो भी ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होगा वो कहलाएगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री